ये रेस्टोरेंट। हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चर्चा करेंगे हम लोग, वो है जेंडर बजटिंग का। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक नया टॉपिक है हमारे पास में, जेंडर बजटिंग क्या है। आपको लगता होगा बजटिंग अलग अलग तरह की होती है, ये जेंडर बजटिंग भी होती है क्या? जेंडर बजटिंग एक्चुअली अपने सेक्सुअल हरासमेंट या लैंगिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। भारत में लैंगिक असमानता और जेंडर बजटिंग, ये आज हमारे टॉपिक है। आपने कभी अपने आसपास या पड़ोस में बेटी के जन्म पर ढोल नगाड़े या शहनाइयाँ बजते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, और देखा भी होगा तो कहीं बहुत कम देखा होगा। वास्तव में कहने को हम लोग 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं, और बेटी का जन्म हो जाए तो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। लड़कों के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों के जन्म को समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। फिर भी अगर वो जिंदा रह जाती हैं तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। हम वैसे तो मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं का शोषण करते हैं। जहाँ तक महिलाओं के शोषण की बात है, एक दृष्टिकोण है कि हमारा समाज डबल स्टैंडर्ड में जीता है। एक ऐसा समाज जहाँ हमारे विचार और उपदेश हमारे कार्यों से भिन्न है। अब प्रश्न उठता है कि लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता का अर्थ है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वे घर और समाज दोनों जगह शोषण की शिकार होती हैं, अपमान झेलती हैं, भेदभाव से पीड़ित होती हैं। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह देखा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट के अगर हम अध्ययन करें तो उसके अनुसार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के जो इंडिकेटर्स हैं उनके मिले जुले आकलन में विश्व में भारत का स्थान 87वां देखा जा सकता है। देश के श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी और संसद में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व चिंता का विषय है। लिंगानुपात एक अति संवेदनशील सूचकांक है जो महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। बच्चों में लिंगानुपात निरंतर कम होता जा रहा है। निरंतर कम होते लिंगानुपात के कारण जनसंख्या में असंतुलन पैदा होता है, जिससे महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ने जैसी अनेक सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। ये सभी जो संकेतक हैं वो लिंग समानता और मूलभूत अधिकारों के संबंध में महिलाओं की निराशाजनक स्थिति के द्योतक माने जा सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती है ताकि इनका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो सके। लेकिन वास्तव में हम सभी जानते हैं कि जमीनी हकीकत में इतने कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाने के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। लैंगिक असमानता के कारण क्या है? प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वॉल्वे के अनुसार पितृसत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है, शोषण करता है, और भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित पाया जाता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परिघटना है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म से ही संबंधित क्यों न हो, सबसे प्राप्त की है।
समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति होने के कुछ कारणों में अत्यधिक गरीबी और शिक्षा की कमी भी देखी जा सकती है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाएं कम वेतन पर घरेलू कार्य करने, वेश्यावृत्ति करने या प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। महिलाओं को न केवल असमान वेतन दिया जाता है, बल्कि उनके लिए कम कौशल की नौकरियां पेश की जाती हैं, जिनका वेतनमान बहुत कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है। लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है। ये माना जाता है कि एक दिन उसकी शादी हो जाएगी तो उसको क्यों पढ़ाया लिखाया जाए, और उनको खाने के लिए भी वही दिया जाता है जो पुरुष के खाने के बाद बचता है। अब ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में जेंडर बजटिंग क्या है। ये जो हमने अभी तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात पढ़ी, लैंगिक असमानता की बात करी, अब हम बात करते हैं कि जेंडर बजटिंग क्या है। जेंडर बजटिंग लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधानों के अलावा किसी देश में के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। जेंडर बजटिंग क्या है कि जैसे कि हम इक्वलिटी के लिए, सेक्सुअल इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए, लैंगिक समानता के लिए कानूनी प्रावधानों के अलावा, मतलब एक तो लॉ है, दूसरी बात है फाइनेंशियल तौर पर कि किसी भी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किए जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द विगत 2-3 दशकों में वैश्विक पटल पर उभर कर सामने आया है, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। जेंडर बजटिंग के क्षेत्र में भारत के क्या प्रयास रहे? महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग यानी कि GRB, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग को अपनाया था। जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग का उद्देश्य है राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना। 2005 के बाद से प्रत्येक वर्ष सालाना बजट में एक उक्ति जोड़ी गई थी जिसे दो भागों में सूचीबद्ध किया जाता है, जिसके नाम है भाग ए और भाग बी। भाग ए में महिलाओं के कल्याण से संबंधित ऐसी योजनाओं का उल्लेख होता है जिसमें महिला कल्याण के लिए 100% आवंटन होता है। वहीं भाग बी में वैसी योजनाओं का उल्लेख किया जाता है जिनमें महिला कल्याण हेतु कम से कम 30% का आवंटन होता है। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय के सहयोग से केंद्र और राज्य स्तर 16 राज्यों ने अब तक GRB को अंगीकृत किया है। GRB का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग यानी कि जेंडर उत्तरदायी बजटिंग। जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग के माध्यम से लैंगिक असमानता को कम करने में सरकार को काफी सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो GRP लागू करने वाले राज्यों के स्कूलों में जो नॉमिनेशन है वो लड़कियों का बढ़ गया है, लेकिन कुछ समस्याएं जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग में भी हमारे सामने देखने को मिलती हैं, सरकार के सामने देखने को आ रही हैं कि जैसे कुछ वर्षों में देखा गया है कि GRB यानी कि जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग के तहत या तो कम राशि का आवंटन हुआ है या सभी वर्षों में ये राशि समान रही है। वित्तीय वर्ष महिला जैसे 2016-17 के बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग के आवंटन में उचित वृद्धि नहीं की गई। वही घरेलू हिंसा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लाई गई योजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर कि GRB के तहत आने वाले मंत्रालयों की संख्या भी कम कर दी गई है
और महिला कल्याण हेतु होने वाले आवंटन का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। अर्थात जो जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग का अर्थ है, मतलब कि जो सरकार द्वारा जो बजट इसमें दिया जाना चाहिए था, वो जो ये संस्थाएं हैं, महिला बाल विकास विभाग द्वारा जो ये कार्य किया जाता है, उसमें बजट कम कर दिया गया है। दूसरी बात है कि इसको पूरी तरह से विकेंद्रीकृत किया गया है। ऐसा मतलब कि जैसे कि ओनली सिर्फ गर्ल्स पे नहीं, कि छोटे बच्चों पर भी खर्च कर दिया जाए इस बजट को, किशोरियों पर किया जाए और अन्य महिलाओं पर, तो इस तरह से उस बजट को कई हेड्स में बांट दिया गया है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि जीआरबी के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ये आवश्यक है कि जीआरबी को महिला कल्याण के लिए एक सिंबॉलिक प्लान ना बना करके एक प्रैक्टिकल प्लान बनाया जाए, और जीआरबी में केवल वैसी योजनाओं का शामिल किया जाना चाहिए जिनका सारोकार सीधे तौर पर महिला कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसमें ऊर्जा, शहरी विकास, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता जैसे मुद्दों को भी महिला कल्याण से जोड़ना होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन ये सभी महिला कल्याण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाने की बजाय उन्हें विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा। हालांकि जेंडर बजटिंग लैंगिक असमानता को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके लिए जीआरबी के माध्यम से नीतियों को और भी अधिक प्रभावी और व्यापक दृष्टिकोण से युक्त बनाना होगा। उचित और व्यावहारिक आवंटन सुनिश्चित करना होगा। वास्तविक सुधारों के लिए जेंडर बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा। तो इस तरह से जो जेंडर बजटिंग है वो व्यवहार रूप में इसमें काफी परिवर्तन की आवश्यकता है, और हम सभी जानते हैं कि लैंगिक समानता का सूत्र श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा हुआ है। फिर चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना हो, मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हैं, उन्हें निजी और असंगठित क्षेत्रों में भी सख्ती से लागू करना होगा। जैसे कि उनको जो है वर्किंग वुमेन है, उनको विद पे मैटरनिटी लीव दिया जाए, और उनको जो है छोटे बच्चों की देखभाल के लिए वहाँ ऑफिस में व्यवस्था की जाए, और फिर उनको CCL है तो चाइल्ड केयर लीव का प्रोविजन किया जाए। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी और प्लस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये सारी चीजें हमको स्ट्रिक्टली लागू करनी होगी। जेंडर बजटिंग और सामाजिक सुधारों के एकीकृत प्रयास से ही भारत को लैंगिक असमानता के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। आशा है ये आपको काफी लाभान्वित करेगा। इसके द्वारा हम लोग ये सीख पाए कि वास्तव में जो जेंडर बजटिंग है वो क्या है। धन्यवाद।